हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं रेवरेंड पास्टर गुलजार हकीम और आप देख रहे हैं ग्लोरियस एचडी टेलीविजन। और अजीजों, आज हम सब खुदा के कलाम में से रोज़े के बारे में सीखेंगे कि रोज़ा किस तरह रखा जाता है। और मैंने खुदा के कलाम में से रोज़ा के चार पहलुओं को सीखा है, आज उसी पर हम बात करेंगे। सो हम इस बात को सीखेंगे कि जैसे बहुत से खादम और खुदा यीशु मसीह खुद ने भी ये कहा कि जब तू रोज़ा रखे तो सभी रोज़े के बारे में तालीम देते हैं। आज हम इस बात को सीखेंगे कि रोज़ा रखते कैसे हैं। सो खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस यूना की किताब में से हम पढ़ेंगे, उसका तीसरा बाप है और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। और खुदा का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहाँ उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदा के कलाम के मुताबिक उठा और नैनवा को गया। और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन राह की थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अतना वाला सब ने टाट उड़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके रकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान, गल्ला या रम्मा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हजूर गिरोजारी करें कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, शायद खुदा रहम करे और अपना रादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी हालत देखी कि अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए तो उस अजाब से जिसने उन पर नाजल करने को था बाज आया और उसे नाजल ना किया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मसीह खुदा उनकी बरकत हो। सोजीदो, हम इस बात को सीखते हैं कि जैसे खुदा ने अपने बंदा यूना को भेजा कि जाकर नैनवा में मनादी करे, क्योंकि नैनवा का जुल्म, नैनवा की बुरी रवशे और नैनवा के वो तमाम बदकारियां खुदा के हुजूर नागजीर गुजरी और खुदा ने नैनवा को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। लेकिन खुदा मारने से पहले इंसान को तंबीह जरूर करता है। सो खुदा ने अपने खादम यूना को वहां पर भेजा ताकि वहां पर जाकर मनादी करे और उन लोगों को खबरदार करें। सो नैनवा एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ के लोग खुदा के खिलाफ मंसूबे बांधते हैं, गुनाह कर रहे हैं और अपनी ही चाल में चल रहे हैं। सो खुदा ने यूना को भेजा है और यूना 1 दिन की राह चलकर उसने मनादी की और कहा सुनो नैनवा के लोगों, नैनवा 40 रोज के बाद बर्बाद कर दिया जाएगा। जब ये बात लोगों ने सुनी, कोई भी इंसान बर्बाद होना नहीं चाहता, कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, तो लोगों ने रोजा की मनादी शुरू कर दी और ये बात बादशाह के कान तक पहुंचती है तो सभी अरकान दौलत जमा होते हैं और सबकी मशवरत से सारे शहर में ऐलान किया जाता है और बादशाह खुद भी बादशाही लिबास उतार कर टाट पहन लेता है, राख पर बैठ जाता है और जो चार पहलू मैं आपको बताने वाला हूं उस पर उसने अमल किया है और दूसरों तक भी ये बात पहुंचाई है। नंबर 1, तौबा करना। नंबर 2, खाकसारी अपनाना। नंबर 3, गिरोजारी करना। और नंबर 4, ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। ये करने, रोजा रखने से पहले ये सारी चीजें हमने करनी है, नीयत बांधनी है, तब जाकर हमारा रोजा कबूल होगा। जब ये 4/4 नंबर आप लेंगे, चारों को पूरा करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। और ये बादशाह ने बात करके दिखाई, काम करके दिखाया, अमल करके दिखाया और कहा कि शायद खुदा हम पर रहम करे और अपना इरादा बदले। और जब खुदा ने उनकी हालत देखी कि हर शख्स अपनी बुरी रविश से बाज आ गया है, हर शख्स खाकसारी में चला गया है और हर शख्स गिरोजारी कर रहा है, तो खुदा ने भी अपना इरादा बदल लिया। तो ये रोजा रखने का तरीका है कि हम खाकसारी अपनाएं, अपने हाथ के जुल्म से बाज आएं
बुरी लफ्जों से बाज आए। सो जब आप ऐसा कर लेंगे तो खुदा आपके रोजे को कबूल करेगा। सो जीजो, आपने देखा कि जब लोगों ने रोजा रखा, तोबा करके और गिरोजारी करके, खाकसारी अपना कर, ना कुछ पी कर ना कुछ चख कर, तो खुदा को उनकी यह हालत पसंद आई और खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। ये कलाम की वो बातें हैं कि आप खुदा के साथ जब बैठेंगे, रोजा रखेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक, तो खुदा आप पर रहम करेगा। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। स्वाइन तमाम अजीज जो मुझे देख रहे हैं, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावन यीशु मसीह में हमारे कादर मुतलक आसमानी बाप, मैं दिल से खुदावन तेरे पाक नाम की शुक्रगुजारी करता हूँ। तमाम खुदावन हाजरीन नाजरीन जो देख रहे हैं, उन सभी के घरानों खानदानों के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ। इनके बिजनेस के लिए, इनकी जॉब के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ। खुदा सबके साथ हो, बरकत दे खुदा, और हर किस्म की खुदा बीमारी, तपाली, वबा, कमी कमजोरी खुदा तेरे पाक यीशु नाम से अलग हो जाए। बे औलादी की मर्जी लिए खुदा, और जिनके पास नरीना फर्जंद नहीं, उन्हें नरीना फर्जंद फरमा। हर किस्म का कैंसर, पथरियां, रसौलियां, हर्निया, गिल्टियां, हेपेटाइटिस सी बी के सारे साथ, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, गेंटिया, अठरा, टीवी, मिर्गी, हर किस्म के ब्लीस के मनसूबे, जादू के इलम, हर किस्म की बदरूहें खुदा तेरे पाकर की आग से तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, और तेरी बेटी बेटे तुझ में शिफा पा जाए खुदा। हालेलुया, अपने बच्चों को बरकत दे खुदा, आसमान तुझे खुलकर बरकत दे, और हमेशा तेरा पाक चिरा तेरे बच्चे पर हमेशा जलवागर रहे, यीशु के कादर नाम से आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। आप इस कलाम को सुनिए, शेयर कीजिए, और खुद भी बरकत पाएं और दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। खुदावन आप सभी को बरकत दे। आमीन, आमीन।